coming to this girl Ruth. लेकिन मैं आखिरकार इस लड़की पे आ रहा हूं जिसका नाम रूथ है. She is the bride. वो दुल्हन है. Never satisfied with Moabite system. और मोआबी तंत्र के साथ कभी भी संतुष्ट नहीं है. I'll tell you her secret. मैं आपको उसका भेद बताता हूं. There was a mother in her. उस लड़की के अंदर एक मां थी. I'll stop for a minute for you to think. मैं एक मिनट रुकूंगा आपको ताकि आप सोचें. When she saw Moabites offering their children to Chemosh. जब वो देख रही थी कि मोआबी लोग कैसे अपने बच्चों को होम बलि के लिए चढ़ा रहे हैं कीमोश के लिए. She was the first one to weep and lament and disdain those acts. और ये थी वो लड़की जो कि पहले होकर के वहां पर रोती थी. उसे बड़ा दुख लगता था और ये काम जो होता था उसके लिए वो बहुत उसको दुख लगता था, बुरा लगता. Why do they do this? ये काम क्यों करते हैं ये लोग? To our children. हमारे बच्चों के साथ. वो हमेशा से उन बच्चों को प्यार करती थी. That's right. ये बात सही है. She loved them. वो प्यार करती थी. That's all in her nature. यही था उसके स्वभाव में. Maybe she thought. शायद उसने सोचा. Maybe if I get married. शायद जब मेरी कभी शादी होगी. I'll never marry a Moabite. मैं कभी किसी मोआबी से शादी नहीं करूंगी. To offer our child to Chemosh. कि अपने बच्चे को ले जाकर के मैं कीमोश के सामने चढ़ा दूं होम बलि. So when a proposal came for a Israelite man. So जब उसके लिए प्रपोजल आया एक इजरायली लड़के का. She readily said, "Yes, I will." उसने जल्दी से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ उससे शादी करने के लिए. See, I don't have to offer my child to Chemosh. और देखो, मुझे अपने बच्चे को Chemosh के सामने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं. I love my child. मुझे अपने बच्चे से प्रेम है. But you see, that first marriage couldn't bring any child. लेकिन आप देखिए, वो पहली शादी कोई भी बच्चे को ला नहीं पाई. That's right. बात सही है. You know that. हम जानते हैं. And Mahlon died. और महलोन मर गया. Yes. Yes. Why are you sharing a message like that? भाई आप ऐसा संदेश क्यों शेयर कर रहे हैं? आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बाइबल में लिखी भी नहीं है और हंस के बोल रहे हैं. Amen. और कह रहे हैं यही था. That's right, brother. God bless you. आपको कैसे मालूम ब्रदर आशीष के ऐसा था? This is nothing but the truth. अभी आयतों में कुछ हिंट मिल जाएगा आपको. Amen. अभी मिल जाएगा हिंट आपको भी मेरे भाई मेरी बहन. Amen, amen, amen. ध्यान से सुनिएगा. Yes, sir. After the harvest is ended, कटनी के समाप्ति के बाद. Follow it. अनुकरण करें. You heard the three stages. आपने तीन चरणों को सुना है. Cutting the harvest. फसल को काटना. Then threshing. और फिर उसको फटकना. And then gathering. और फिर इकट्ठा करना. You heard those three stages. आपने तीन अवस्थाओं. Now it was in the second stage called threshing. अब ये दूसरी अवस्था था जिसमें फटकना था. When seed and shuck was being separated. जब बीज भूसी से अलग किया जाता है. That night. उस रात. Naomi gave a proposal to Ruth. Naomi ने एक बात सामने रखी रूथ के. Oh, I almost forgot. Oh, मैं बिल्कुल. Law in our land. मैं भूल गई. हमारे देश में एक कानून है. What law, mom? मम्मी, क्या कानून है? You know, we have a law of a kinsman. हमारे पास एक निकट कुटुंबी वाली व्यवस्था है. To redeem our land. ताकि हम वापस अपनी भूमि को वापस ले सके. Ruth said, "Wouldn't that be wonderful?" रूथ ने कहा कि यह अद्भुत बात नहीं होगी माँ? Not only that, Ruth. रूथ केवल इतना ही नहीं. According to the law. व्यवस्था के अनुसार. यू कैन मैरी दैट किन्समैन. तुम उस निकट कुटुंबी से शादी कर सकती हो. दैट इज एब्सोल्युटली लीगल. ये बिल्कुल सच मायने में कानूनी बात है. इट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ. ये कानून के अनुसार है. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग. तो मैं सोच रही थी अभी. वाई नॉट थिंक अबाउट इन दोज टर्म्स. इस बात को ऐसे क्यों ना सोचा जाए. एंड यू नो व्हाट दिस बोआज. और अब तुम जानते हो ये बोआज. रूथ नेवर सेड. रूथ ने कभी नहीं कहा. But he is much, much older than me. अरे वो तो मेरी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा है. And I am such a young girl. और मैं तो इतनी छोटी लड़की हूं. Follow it with me, please. मेरे साथ चलने की कोशिश करें. Of course, not very much. बेशक उम्र में बहुत ज्यादा गैप नहीं. Not very much, but there was quite a difference. बहुत ज्यादा तो गैप नहीं था, लेकिन थोड़ा गैप था. Because the scripture we just read, Boaz is saying, "My daughter." जिस वचन की आयत को हमने पढ़ा उसमें हम पाते हैं कि बोआज कह रहा है मेरी बेटी. सो उसकी बेटी की उम्र, अगर उसकी बेटी होती तो उस उम्र पे होती है वो लड़की. सो यू नो देयर स्टिल अ गैप. आप पाएंगे तब भी एक गैप है. एंड रूथ सेड, व्हाट? यस मॉम, व्हाट डिड यू से? रूथ ने कहा, मां तुमने क्या कहा? दिस बोआज इज आवर किन्समैन. ये बोआज हमारा निकट कुटुंबी है. एंड यू नो ही इज स्टिल अनमैरिड. और तुम जानते हो अभी भी उसकी शादी हुई नहीं. नॉनसेंस, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रपोजल My mother-in-law brings to me. Oh, क्या बकवास की बात कर रही है? किस प्रकार की बात लेके आ रही है मेरी mother-in-law मेरे सामने? I am also a young girl. I also have my thoughts. मैं जवान लड़की हूँ. मेरी भी अपनी अभिलाषाएं और अपनी विचार हैं. I also have my mind.
मेरा भी अपना मन है, विचार है, the kind of man I would like to marry, जिस किस्म के लड़के से मैं, आदमी से मैं शादी करना चाहूं, at least he should have broad shoulders, should look young, should have slick hairs and should look have a young look, और वो उसको जवान दिखना चाहिए, उसके बलिष्ठ कंधे होना चाहिए और लंबा होना चाहिए और उसके बाल इस प्रकार से होना चाहिए. You know what? And my mother-in-law is giving me such a proposal. और मेरी माँ मेरे सामने ऐसी बात रख रही है. And said, legally you can do it. और व्यवस्था के अनुसार तुम इस काम कर सकती हो. What kind of proposal is that? अब ये किस किस्म का proposal है? On the contrary, इसके विपरीत, Ruth says, Ruth कहती है, all that you say, जो कुछ तू कह रही है, I will do. मैं उसको वैसा ही करूँगी. Follow her nature. उसके स्वभाव का अनुकरण करें. Yes, sir. Wash yourself. अपने तू नहाले. And put oil and anoint thyself with oil. और अपने आप को तेल से अभिषेकित कर. And put on your garments. और अपने वस्त्रों को पहन. And now go to the threshing floor. और अब तू उस खलिहान जा. Mark the place where he lies. जिस जगह वो लेटता है उस जगह को ध्यान से मार्क कर ले. And uncover his feet and lie at his feet. और उसके पांव को उघाड़ के उसके पांव के पास लेट जा. That's right. ये बात सही है. He looks like a man of 50 maybe. हो सकता है शायद वो 50 साल का दिखता हो. Oh God bless you. I'm saying that. मैं क्यों कह रहा हूं? That's how Christ looked. इसी प्रकार से मसीह दिखते थे. He was 30 and looked like a man of 50. वो 33 साल की उम्र में भी 50 साल के दिखते थे. Who had believed our report? किसने हमारे लिखित प्रमाण पे विश्वास किया? And to whom is the arm of the Lord revealed? और किस पे खुदा का भुजबल प्रकट हुआ? His visage was not such that we should look upon him. उसका स्वरूप ऐसा नहीं था कि उसकी ओर दृष्टि की जाए. He was stricken and smitten of God. खुदा के द्वारा वो मारा गया और पीटा गया था. Yet our transgressions were laid on him. फिर भी हमारे अपराध उस पे लाद दिए गए. Think of that. इसके विषय में सोचिए. That's what Isaiah 53 placed him as that masterpiece. इसी प्रकार से यशाया 53 उसको एक सर्वोच्च रचना के रूप में दरकता है. Like a rose trampled on the ground. एक गुलाब की माने जो कि जमीन पे कुचला गया. Who had no form. जिसका कोई रूप नहीं था. That he should be looked upon. कि उसकी ओर कोई दृष्टि डालता. That a woman should desire him. कि कोई स्त्री उसको देख के इच्छा करे. But वो इस प्रकार से दिखता नहीं था. But yet somebody liked him. लेकिन हाँ बेशक कोई था जो उसको पसंद करता था. She was not looking at Boaz. वो बोआज की ओर नहीं देख रही. She was. God bless you. वो बोआज के भारी आवरण को नहीं देख रही. वो उस ओहदे को देख रही है. You don't look at the white hairs. आप सफेद बालों को नहीं देखते. You look at the office. आप ओहदे को देखते हैं. You look at that man inside. उस मनुष्य को जो अंदर उसको देखते हैं. God bless you, my brother. God bless you, brother. Though he's of quite an age, yet भी वो काफी उम्र रसीदा है. But he still has seed. लेकिन अभी भी उसके अंदर वंश बीज पाया जाता है. His seed is not dead. उसका बीज मरा हुआ नहीं है. His seed is not dead. उनका बीज मरा हुआ नहीं है. If you can understand it, अगर आप इस बात को समझ पाए. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. I'm coming to bride's desire. मैं आ रहा हूं दुल्हन की इच्छा पे. Mark that place. उस जगह को मार्क कर लेना. Uncover his feet. उसके पांव को उघाड़ देना. And lay there. और वहां पे लेट जाना. Yeah. बिल्कुल सही. And so Boaz had eaten, drunk, was merry, and he lay at the end of the heap of corn. और सो बोआज जो था वो आनंदित हुआ और जाकर के अनाज के ढेर पर सिरे पर लेट गया जब वो खा पी चुका. And she came softly. और वो बड़े ही शांत रूप में आई. Softly means silently. शांत, सॉफ्टली का मतलब शांत रूप में. इट ऑल हैपेंड इन अ साइलेंस. ये सब कुछ एक चुप्पी में, एक सन्नाटे में हुआ. अनकवर्ड हिज फीट. उसके शांत में, शांत रूप में आई और आकर के उसके पांव को उघाड़ दिया. एंड हिज फीट वर लाइक पिलर्स ऑफ फायर. गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर. और उसके पांव आग के खंभे कैसे थे. एंड लेड अंडर दोज फीट. और उन पांव के नीचे आकर के वो लेट गई. Are you listening, church? क्या कलीसिया आप सुन रहे हैं? Oh yes. Oh yes. Oh yes. If you can get it. अगर आप इसको पकड़ पाए.
She laid under that feet. वो उन पांव के नीचे लेट गई. Now just see what happens. अब देखिए अब क्या होगा. Boaz sleeping. Boaz सो रहा है. Sit down, please. God bless you. Boaz sleeping. Boaz सो रहा है. Abraham said, "Mark the place where he lies. Where did he lie?" He said, "At the cross." उन्होंने कहा कि उस जगह की चिन्हानी करना जहां वो लेटेगा. कहां लेटा वो? क्रूस के ऊपर. Where he was rejected and killed. जहां वो तिरस्कृत हुआ और मारा गया. Go to that cross. जाना उस क्रूस पे. And lay there with him. और उसके साथ उस क्रूस पे लेट जाना. In other words, दूसरे शब्दों में, die with him. उसके साथ मर जाना. Let your old man die. ऐसा हो कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व मर जाए. At midnight, Boaz woke up. आधी रात को Boaz उठ गया. This is not a morning wake up. अब ये सुबह वाला जगना नहीं है. This is a night wake up. और ये रात का जगाया जाना है. When stars are shining, जब सितारे चमक रहे हैं, and he says, और वो कहता है, I was dead, देखो मैं मर गया था, but now I'm alive, लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ, and I have the keys of death and hell, मृत्यु और नरक की कुंजियाँ मेरे पास हैं, he looked like Alpha and Omega, Alpha और Omega जैसा वो दिखता है, he looked like the first and the last, वो प्रथम और अंतिम जैसा दिखता है, I was dead, देखो मैं मर गया था, I was sleeping, मैं सो रहा था, I'm alive, लेकिन अब मैं जग गया हूँ. Which Boaz will she marry? किस बोआज से वो शादी करेगी? The one who woke up. उस बोआज के साथ जो जी उठा, जो जग गया. Keep that in your mind. इस बात को अपने विचारों में रखिए. When you die with him, जब आप उसके साथ मरते हैं, then you rise up with him. तो आप उसके साथ जी भी उठते हैं. So when Boaz rose up, so जब बोआज जग गया, then Ruth also rose up. तो रूथ भी जग गई. Resurrected Lord and the church which rose up with him. पुनरुत्थानित प्रभु और वो कलीसिया जो उसके साथ पुनरुत्थानित हुई. इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ, जीवन के नए होने के रूप में. नाउ गेटिंग द पॉइंट? क्या समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? बैठिए बैठिए एक मिनट. आमेन. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. एंड सेड, और कहा, हु इज दिस? ये कौन है? आई एम रूथ द हैंडमेड. मैं आपकी दासी रूथ हूं. स्प्रेड दाई स्कर्ट अपॉन मी. अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे. फॉर थाउ आर्ट अ नियर किन्समैन. क्योंकि आप हमारे निकट कुटुंबी हैं. वर्स 10. दसवीं आयत. एंड ही सेड, ब्लेस्ड बी थाउ ऑफ द लॉर्ड माय डॉटर. उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो. फॉर थाउ हैज शोड मोर काइंडनेस इन द लेटर एंड देन एट द बिगनिंग इन एज मच एज थाउ फॉलोएस्ट नॉट यंग मैन विद अ पुअर और रिच. ओ गॉड ब्लेस. क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई. क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी. जबकि तू एक जवान है. यस सर. यू डिडंट गो आफ्टर अ यंग मैन. तू किसी जवान आदमी के पीछे नहीं गई. दिस शोज व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन. इसका मतलब ये चीज दर्शाती तुम्हारी दिलचस्पी किस चीज में है. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ सेक्सुअल यूनियन. हाँ, तेरी जो दिलचस्पी है कोई सेक्सुअल यूनियन पे नहीं है. यू आर इंटरेस्टेड इन. तेरी दिलचस्पी किसी और चीज में है. फॉलो दैट. इसका अनुकरण करें. यू आर नॉट लुकिंग एट अ यंग मैन. तू किसी जवान आदमी को नहीं देख रही. व्हाई आर यू कमिंग टू मी. तू मेरे पास क्यों आ रही है. शोइंग सो मच लव टू मी. इतना ज्यादा प्रेम मुझे दर्शा रही है. नोटिस हर वर्ड्स. आप ध्यान से देखें उसके शब्दों को. दिस इज वेयर वी आर डेवलपिंग दैट सब्जेक्ट. ये है वो जगह जहां से अपने विषय को हम विकसित कर रहे हैं. स्प्रेड द स्कर्ट अपॉन मी. अपनी चादर मुझे उड़ा दें. फॉर थाउ आर्ट अ नियर किन्समैन. क्योंकि तू हमारा निकट कुटुंबी है. इट इज नॉट दैट शी जस्ट वांटेड टू स्टार्ट अ लव अफेयर. ये ऐसा नहीं था कि वो एक प्रेम संबंध चालू करना चाहती थी. शी वॉन्टेड अ पोर्शन ऑफ द लॉ फुलफिल्ड इन हर लाइफ. वो चाहती थी कि व्यवस्था का एक हिस्सा उसके जीवन में पूरा हो सके. Turn with me, you know the scripture, Deuteronomy 25. आप जानते हैं वचन की आयत को मेरे साथ निकालें, व्यवस्था विवरण 25. Let's read that scripture. आइए उस वचन के हिस्से को पढ़ते हैं. That is the law. यह है व्यवस्था. Which Naomi explained to her. जो नामी ने उसको समझाया. I'd like my brother to read from verse 5 to yes, to verse 10. मैं चाहूंगा भाई पांचवीं आयत से दसवीं आयत तक पढ़ें. जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक बिना पुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए,
उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट ना जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं और ये अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे, मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता। तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का ये नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यानी एक बेइज्जती थी, ये तो जूती उतारे हुए का घर है, तो एक बेइज्जती की बात थी कि इनके घरों में अपनी लड़कियां मत दो, बकवास है ये, जूती उतारे हुए का घर है ये। सुनिए, ये मैं तर्ज बोल रहा हूं जो बाइबल में लिखा है। आमीन। किसके लिए? जो अपने मरे भाई के वंश को आगे ना बढ़ाना चाहता हो। ये नियम था। मेलोन had died. मेलोन मर चुका था from the house of Elimelech. Elimelech के घराने में से। And now it was the work of a kinsman. और अब ये एक निकट कुटुंबीय काम था टू मैरी दैट वुमन, कि उस लड़की से शादी करे, टू रेज द सीड ऑफ द डेड, ताकि मृतक के वंश को आगे बढ़ाए। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। This is where I'm going to bring that work desire to you. अब ये है वो जगह जहां पर मैं उस इच्छा को आपके सामने लेके आऊंगा। Ruth was not just interested in a marriage. रूथ की दिलचस्पी केवल एक शादी में नहीं थी। She said, "Thou art our kinsman." उसने कहा, आप हमारे निकट कुटुंबी हैं। Spread thy skirt upon me. अपनी चादर मेरे पर फैला दे। In other words, दूसरे शब्दों में, Let me come with you. ऐसा हो कि मैं आपके साथ मिल जाऊं, एक हो जाऊं। क्यों? What is your desire? रूथ, तेरी इच्छा क्या है? My desire is not a young boy. मेरी इच्छा कोई जवान लड़का नहीं है। My desire is a seed. मेरी इच्छा एक वंश है। Her desire was a baby. उसकी इच्छा एक बच्चा थी। Which was always there. जो हमेशा से उसकी इच्छा थी। And now legally she is entitled to have that baby. और अब कानूनी तौर से वो entitled है उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए। Through this man. इस आदमी के मार्फत। जब हमारी शादी होगी हमें कैसा लगेगा? माफ करें, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं बोल रहा, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया। थैंक गॉड शायद उतना ना किया हो, अपने अपनी लेवल्स हैं वैसे। रूथ के दिमाग में लड्डू नहीं फूट रहे हैं शादी के, रूथ के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि अब शादी होगी तो एक बच्चा आएगा। जो बहुत दिनों से मैं सुनने को तरस गई। हां जी, आई वॉन्ट दैट चाइल्ड ऑफ दिस सीजन। मैं इस मौसम का बच्चा चाहती हूं। दैट वॉज हर डिजायर। ये थी रूथ की इच्छा। हर डिजायर, उसकी इच्छा, नॉट वॉट टूडेज वुमेन डिजायर। वो ऐसी नहीं इच्छा थी जो कि आज की औरतें। That's why the desires is expressed in a message today. इसलिए वो इच्छा आज व्यक्त होती है एक संदेश में। They don't want to mother a child. They want to mother a cat and a dog. और संदेश में हमें ये मिलता है कि नबी ने इस बात को कहा कि वो एक बच्चे को लेकर के उसको के लिए माँ का काम नहीं करना चाहते। वो क्या क्या चाहती हैं कि एक कुत्ते को या बिल्ली को घर लेके आए और उनकी परवाह करें, उनकी देख रेख करें। सुबह हम जा रहे थे, पता लगा जैसे दिल्ली में सड़कों पे गाय बैले घूम रही हैं, ऐसी पेरिस में बिल्लियां घूमती हैं। इतनी बिल्लियां हैं। और हमारे अब शहरों में, अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जाके देखिए, एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है कुत्ते। और यही नहीं, हर घर कुत्ता पाल रहा है। कुत्ते से दोस्ती क्यों? क्योंकि जिनसे प्यार था वो तो चली गई, वो भी चले गए, अकेले रहते हैं। तो अब साथ किसका लें? एक डॉग का। समझ मारी आपके? हाँ जी। जो कुछ नबी ने कहा ब्रदर एंड सिस्टर, वैसे का वैसा हो रहा है। आमीन। कुत्ते
कुत्ते और बिल्ली से ज्यादा प्यार है इंसान से नहीं। यह है प्रॉब्लम, बात यह है। समझ में आ रही है? टॉमी तुम हिला के आएगा, मुझे टॉमी चाहिए लेकिन मुझे एक बच्चा नहीं चाहिए। बच्चे से तो मेरा जिस्म डिसफिगर हो जाएगा, मैं अजीब सी बेडॉल सी लगने लगूंगी, आकार ही बिगड़ जाएगा मेरा, मैं निरंकार हो जाऊंगी। माफ करें, जो भी यस, बट द रियल ब्राइड, लेकिन जो वास्तविक सच्ची दुल्हन है, शी नोज द पर्पस ऑफ अ वुमन, वो एक स्त्री के मकसद को, सच्चे मकसद को जानती है। Maybe she knows the letter which the Holy Ghost wrote. शायद वो चिट्ठी को जो पवित्र आत्मा ने लिखवाई जानती है। Reason that woman was given to the man. और यही कारण था कि वो स्त्री उस आदम को दी गई थी। To fulfill a purpose. ताकि एक मकसद को पूरा करे। To bring a life. ताकि एक जीवन को लेके आए। She was meant for a reproduction. वो एक प्रजनन के लिए रखी गई थी। And the child would be the purpose. और वो बच्चा वो मकसद होगा। For which the marriage happened. जिसके लिए शादी हुई। शादी हुई, लेकिन the purpose is still not fulfilled. अभी भी मकसद पूरा नहीं हुआ फिर। Yes. जी हाँ। Marriage happened. शादी तो हुई। But the child didn't come. लेकिन वो बच्चा नहीं आया। Purpose is still not done. मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ। Because the purpose of, let me show you a scripture. मैं आपको एक वचन की आयत दिखाना चाहता हूँ। Listen, you need to know it. देखिए, आपको यह जानना जरूरी है। Turn with me to the book of Malachi. मेरे साथ निकालें मलाकी की किताब। The morning I was seeing it again. सुबह आज मैं इसको दोबारा देख रहा था। A verse which directly speaks against me. एक ऐसी आयत जो कि सीधे सीधे बहुविवाह के विरोध में बोलती है। Yes, read from verse 14, Malachi chapter 2. मलाकी 2 उसकी 14वीं आयत से भाई पढ़ दें। Okay, I'll read in English because there are people in English also who are hearing it. Yes, English में सुनने वाले लोग हैं, इसलिए मैं English में पढ़ता हूँ. Yet he say, wherefore, because the Lord had been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously. Yes, brother. Yet is she thy companion and the wife of thy covenant. Read that verse, brother. इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। जी, क्या आगे पढ़िए। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? 10 मिनट आपने इतनी मैं ये लिखा, येट इज शी दाई कंपेनियन, नहीं क्या प्रॉब्लम है यार इस हिंदी की बाइबल के साथ? माफ करिए, मेरे को कभी कभी खुंदक आती है। आधी आई थी खा गए। इंग्लिश में आयत यहां कंप्लीट नहीं हुई कि तू अपनी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात किया, और हिंदी की आयत वहां पूरी हो गई, आयत वहां पूरी हुई नहीं। सच है ब्रदर। अगली लाइन कहती है, येट इज शी thy companion, फिर भी वो तेरी संगनी है। तूने 10 कर ली, लेकिन फिर भी वो तेरी असली पी भी तेरी वो है। हां जी, जिसके विरोध तूने सारे काम किए। हां जी, येट इज शी thy companion एंड द वाइफ Of thy covenant, फिर भी वो तेरी संगनी और तेरी वाचा वाली पत्नी है। वाचा वाली एक ही होती है। हाँ जी, ना वाचा वाली तो कई हो सकती हैं होटलों में। हाँ, लेकिन वाचा वाली एक ही होती है। और खुदा कह रहा है, तेरे और तेरी जवानी की बीवी के बीच में मैं साक्षी हूं। Yes, और खुदा ने कहा, क्यों? तुमने वेदी को रोने से भर दिया। पढ़िए उससे पिछले वाली आयत, एक मिनट। फिर तूने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। है? यहोवा की वेदी रोने वालों और आंसू बहाने वालों से भर दिया। आगे पढ़िए, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। क्यों? और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। जी, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? जी, आगे अब पढ़िए। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। जब तेरी बीवी को पता लगा कि तू ऐसा है, बेचारी कह तो कुछ नहीं पाई, चर्च लेके आए, मैसेज चल रहा है, वो अंदर घुट घुट के रो रही है। हां जी, और खुदा कह रहा है, मैं उस रोने को देख रहा हूं। तुमने मेरे पुलपिट को रोने वालों से भर दिया। ओ गॉड,
तेरे और तेरी बीवी के बीच में मैं साक्षी हूं। ओ गॉड, तुझे खोद कर निकालूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सच है, शहंशाह बनते हो नवाब, नवाब साहब तूने अपनी बीवी से विश्वासघात किया। समझ मारी है? ऐसा उल्टा भी होता है, बीवियां भी विश्वासघात करती हैं, और तब जब विश्वासघात होता है तो अगला रोता हुआ चर्चाता है। ऐसे रोने वालों से तुमने मेरी वेदी भर रखी है, मेरी वेदी भीग रही है इन आंसुओं से। सच है, इन रोने वालों से। सुन रहे हैं आप? जी हाँ। बिल है दोस्त, भाई आशीष बहुत ही खतरनाक प्रचारक है जी, मैं साफ साफ मुंह पे बोलता हूं आप। आमेन। ये बात मैं किसी को नहीं बताया हूं, कोई हो गया ठीक है, जैसा भी है कोई बात नहीं, छुपा लो, कोई चीज नहीं छुपती। इस चर्च का पिछले 40 साल 50 साल इतिहास ये बताता है, आज तक इस चर्च के वालों ने जो भी किया किसी छिपे टापू तक पे, वो आज तक छिपा नहीं। ये मत सोचना इस चर्च में बैठ के कि कोई काम मैं छिपके कर लूंगा, ये मेरी सलाह है आपको पहले से, तुम्हारा कोई भी छिपा हुआ काम तुम चाहे कितना छिपा लो वो छिपेगा नहीं। एक दिन की बात है, एक जनाब आए चर्च में बैठे, पीछे से दंदनाती हुई एक लड़की आई, बड़ी डिस्टर्बेंस की, मैं बात कर रहा हूं गोशेन चर्च की, ये कौन है? तो भाग, चुप हो चुप हो, जो वो इनिशियल टाइम होता है मेडिटेशन का सुबह 10 बजे का, उसी टाइम वो लड़की आई। मैं तो उसे ढूंढ रही हूं, वहां कहानी खुली उनकी, जो मासूम होकर चर्च की मीटिंग में बैठे थे वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। वो ढूंढती हुई चर्च पहुंच गई, और वहां जो फिर उनकी बेइज्जती हुई मैं बोलना नहीं चाहता आपसे। कभी भी ये मत सोचना बेटे कि आप ये खेल चुपके कर लोगे, समझ मारी आपके। और खुदावन यहां कह रहे हैं, मैं तेरे और तेरी संगनी के बीच में गवाह हूं, मैं हूं साक्षी। कोई साक्षी ना हो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि मैंने ऐसा काम किया? खुदा कहेगा मैं हूं प्रूफ। यस सर, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा, और जब तुम मर के आओगे ऊपर पूरी कैसेट चलाऊंगा तुम्हारी। हाँ जी, सबके सामने, तब एक के सामने नहीं, लाखों स्वर्गदूतों और सबके सामने जब तुम नंगे देखोगे उस होटल के कमरे में उसके साथ, वो सारी तस्वीर तुम्हारी मैं सबके सामने पेंट करूंगा, और तब देखते हैं तुम्हारे क्या जवाब होते हैं। ये मैसेज क्या कहूंगा, मजाक नहीं है। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मैरिज इज ऑनरेबल, कीप दैट ऑनर। शादी ऑनरेबल है, और उस ऑनर को बनाए रखें, उस ऑनर को बनाए रखें, आदर को बनाए रखें। यहां तीन तलाक सिस्टम नहीं है ब्रदर जी। खुदा कह रहा है यहां इसराइलियों से, तुमने मेरी वेदी को आंसुओं से भिगो रखा है, अपनी बीवियों को तंग करते हो, अपनी बीवियों से अलग हटके कहीं और इशारेबाजियां करते हो, और तुम्हारी बीवियां जानती हैं, बोल नहीं पाती, चुप होती हैं, और चर्च में आके बैठ के केवल चुपचाप रोती हैं, और मैं खुदा ये देख रहा हूं, इसलिए चाहे तुम कितनी भेंटे ले आओ मेरी वेदी पे, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। माय जीसस, तुम्हारी एक भेंट मैं कबूल नहीं करूंगा। क्या मालूम ये बात, चाहे आप नवाब, बहुत मोटे नवाब हो, एक एक लाख का, जैसे हमारे जो भी कह लीजिए पहनते हैं लीडर्स, ऐसे कपड़े हों, 10 गाड़ियां हों, लेकिन चरित्र ना हो, तो गोबर से भी गए बीते हैं आप। बिल्कुल सच है, याद रखना आप। बिल्कुल, अगर एक पति की पत्नी से नहीं मिलती, संडे को चर्च में आने से पहले मिला लो। हां जी, मन मुटाव के साथ चर्च में मत आओ, क्योंकि वो भी भागीदार होंगी उस प्याले, आप होंगे जनाब। आज असल में सुबह सुबह हमारे घर में चल गई, तो भैया पहले सॉल्व कर लो जल्दी, यहां आने से पहले वेदी पे। यस सर, समझ मारी आपके, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं सुनी ना जाएं।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Amen. यही बहनों के लिए है और ये भाइयों के लिए भी है. असल में आज थोड़ी सी घर में तू तू मैं हो गई है, हर घर में हो जाता है, हो जाता होगा, लेकिन चर्च में आने से पहले नहीं. नो या तो उस दिन मीटिंग मत आओ, प्रभु भोज मत लो. मैं कह रहा हूं प्रभु भोज मत लो. जब तुम्हारी तुम्हारी बीबी से नहीं मिलती, अब देखता हूं बेटा किसकी नहीं बनती. माफ करना ऐसे बोल रहा हूं, अपने और अपनी वाइफ के बीच का रिश्ता सॉलिड कर लीजिए इससे पहले कि चर्च आए और इस मेज में भागीदार हो, वरना आप एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं है उसमें भागीदार होने के लिए. क्या है मेल आपका और आपकी वाइफ का? जिस एकता के बारे में मैंने अभी रिसेंटली भाई अबनर की और बहन निमजन की शादी में प्रचार किया, आपकी एकता का क्या हाल है? सोचिए, ये एकता क्या खाली शरीर है या प्राण है? Yes, sir. या आत्मा भी है? Amen. या मनो की एकता है? Amen. क्या आपके घर में आई और यहां बैठ के ठाट से ले रहे प्रभु भोज? शर्म नहीं आई? गॉड ब्लेस यू ब्रदर. ध्यान सुनिएगा, जब मेज पे आए घर सुलझा के आए. हां जी, अगर घर सुलझा हुआ ना हो मेज में भागीदार मत हो, आप डिस्क्वालिफाइड हैं. कोई नहीं, मैं प्रभु भोज की मीटिंग के बाद जाऊंगा, उसको मना लूंगा. नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया. मेज पे आने से पहले सुलझा ले, क्योंकि बाइबल कहती है जिस एक रोटी में हम भागीदार होते हैं हम एक बदन हैं. और तुम अपनी पत्नी के साथ जो भी एक मसीह के बदन का हिस्सा है और तुम भी एक हिस्सा, तुम तो एक हुए नहीं, तो फिर एक रोटी में क्यों भागीदार हो रहे हो? सच बात है. आप एक प्याले में एक रोटी में भागीदार होने के लिए डिस्क्वालिफाइड. नो, मत लीजिए भाग और यहां से श्राप लेके मत जाइए. जी कोई नहीं, वो अशर अबानी से पहले भाई आशीष एक दुआ भी करते हैं छोटी सी कि अब हमें माफ करें. ब्रदर, हां मैं दुआ करता हूं, लेकिन ये प्रिपरेशन मेज पे आने से पहले का है. एक वाइफ और एक हस्बैंड एक आम रिश्ता नहीं है. ओह गॉड, नो 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 नो. आपने शायद इसकी वैल्यू समझी नहीं. एंगेजमेंट के दिन टाइम नहीं था कि मैं डिटेल में पढूं, उस बहुत प्यारी एंगेजमेंट थी, मैं बहुत खुश था इस लास्ट एंगेजमेंट से. यस ब्रदर, क्या क्या कोट्स है नबी के. आमेन. नबी कह रहे हैं अगर एक वास्तविक प्रेम वायदे के दौरान ना हो तो यह केवल एक ऐसा रिश्ता है जी, मरा हुआ सा. आप केवल उसके बच्चों को रेज कर रही होंगी लेकिन दिल से कोई कनेक्शन है नहीं उनके साथ, ना उनका आपके साथ. ऐसे रिश्तों को लेके हस्बैंड वाइफ के अब चर्च आ गए, हमें प्रभु भोज दो. नया जन्म, मैं बोल रहा हूं बार 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 बार. यस सर, बहुत बड़ी चीज है नया जन्म पाया हुआ हस्बैंड, नया जन्म पाई हुई वाइफ, ये नए जन्म पाए हुए बच्चे. यस सर, परिवार बिल्कुल फर्क दिखेगा. बिल्कुल सच है, वहां बकवास नहीं होगी जो यहां मलाकी में पढ़ रहे हैं आप. यस सर, तुमने मेरी वेदियों को आंसुओं से भिगो रखा है, मेरी वेदी पे लोग रोते हैं, कुछ बोल नहीं पाते. ओ सचे, चुप हैं, बोल नहीं पाते, नकोड़ रहे हैं मेरी वेदी पे. कोढ़न का कारण ये रहा तुम. ये मलाकी की किताब में खुदावन कह रहे हैं. देखिए मेरा विषय कुछ और था लेकिन पॉइंट आ गया, शायद कहीं पे लग रहा है. आमेन. गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर. ये तो नॉर्मल बात है ब्रदर कि घर में अनबन हो जाए. नहीं नहीं, मसीह घर में अनबन होना नॉर्मल बात नहीं है. नो 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 नो. कभी वो एंड जाती है, कभी मैं एंड जाता हूं, ठीक कर लो एठन. हाँ जी, क्योंकि ये मसीह कभी एंड जाए, हर बार मसीह और कलीसिया की सोचो, कभी कलीसिया एंड जाए कभी मसीह एंड जाए, ये तस्वीर बैठेगी? बिल्कुल भी नहीं. नो सर, तो ये तो नॉर्मल है, हर घर में अनबन हो ही जाती है. नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है, मसीह घर के लिए ये एबनॉर्मल है. क्या बोला? एबनॉर्मल है. मसीही घर के लिए ये एबनॉर्मल है, होना नहीं चाहिए.
अगर संडे सुबह सुबह अनबन हुई किसी बात पे, वहीं बैठ के बैठो, गुस्सा ठंडा करो, ग्लास पानी पियो पहले, ठंडा करो और वहीं बात खत्म करो। आमीन। क्योंकि हम अब जोनों साथ में जा रहे हैं मेज पे भागीदार होने, बच्चों के साथ हम नहीं चाहेंगे कि वहां से एक श्राप लेके लौटें। या फिर यह फैसला करो, आप अगर मेरा मन नहीं मिल रहा, ना आप लो ना मैं लूंगा आज। फिर आएगा एक हफ्ते महीने के बाद टर्न, क्योंकि अब तो टर्न लगते हैं ना महीने महीने पे, अगले टर्न में ले लेना जब मन बन जाए। God bless you my brother, you have filled my altar with weeping and tears। तुमने मेरी वेदी को आंसुओं से भिगो के रख दिया है। Why? क्यों? You are treacherous against the wife of thy youth। अपनी जवानी के संगनी के साथ तूने कुकर्म किया। उसके साथ कुकर्म नहीं किया, सॉरी, उसके विरोध में तूने गलत किया। You have विश्वासघात किया। विश्वासघात किया। Yet is she thy companion। फिर भी वो तेरी संगनी है। And the wife of thy covenant। और तेरी वाचा वाली पत्नी है। देखिए प्यारे भाई, अलग अलग बैकग्राउंड से आप और हम निकल के आ रहे हैं। जिस हिंदुस्तान की परंपरा से हम निकल के आ रहे हैं, उन परंपराओं में, उन गलियों में बहुत कुछ होता है। यस सर। लेकिन वो सब कुछ यहां नहीं होता। यहां नहीं चलेगा मेरा। समझ में आ रही है आपके? हाँ जी। यहां वो सब नहीं चलता, ध्यान रखिएगा। आमीन। और तब इसको लेके खुदा ने एक रहस्य की बात बोली। वर्स 15, 15वीं आयत। एंड डिड नॉट ही मेक वन, और क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? एक किसको? एक स्त्री। एक स्त्री, यस। तुम जो कई लेके घूम रहे हो, उनसे कह रहा है हमारा प्रभु, क्या उसने एक नहीं बनाई? एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में, एक दिल्ली में, एक उड़ीसा में। आप सच है। अब बाइबल लेके, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, खुदा कहेगा लात मारूं मुंह पे तेरे, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। समझ मारी है? ये प्रेज द लॉर्ड करना भूल जाओ। मुझे ऐसी कोई प्रेज द लॉर्ड पसंद नहीं है तुम्हारी, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सच है। Did not he, those people, some, there are some people in even this message who say, Brother Branham supported polygamy, he never. कुछ लोग जो संदेश में आज, कुछ लोग हैं वो कहते हैं भाई ब्रैनम ने सहयोग दिया, समर्थन दिया बहुविवाह का, लेकिन भाई ब्रैनम ने कभी नहीं दिया। He saw as a double covenant to show a many membered body of Christ, but he never supported polygamy for a minister or for any individual. उन्होंने बहुविवाह को एक डबल व्यवस्था के रूप में दिखाया, जिसमें कि मसीह की एक बहुसंख्यक देह है। उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं दिया बहुविवाह के लिए, और किसी सेवक के लिए नहीं, और किसी शख्स के लिए नहीं।